जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय आईपीएल का सीज़न चल रहा है और डेली आईपीएल मैचेस होते हैं, और जो लोग क्रिकेट का शौक रखते हैं उनके लिए ये एक फेस्टिवल से कम बिल्कुल भी नहीं है और एक अच्छा एंटरटेनमेंट का सोर्स भी है। आईपीएल के साथ ही इस समय भारत में ढेरों सारी क्रिकेट फैंटेसी ऐप्स भी चल रही हैं जो कि अपने यूज़र्स को ढेरों सारा प्राइज और कैश मनी जिताने का दावा करती हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसी के ऊपर है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्रिकेट फैंटेसी ऐप्स जो हैं वो काम करती हैं और कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो लोग जिनको इन ऐप्स को लेकर अभी तक कंफ्यूजन है उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाए और वो भी क्रिकेट फैंटेसी ऐप्स को यूज कर सकें। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं टेक टक और मैं हूं शिवम। चाहे ड्रीम इलेवन हो या फिर माई इलेवन सर्कल हो या फिर कोई दूसरी फैंटेसी ऐप हो, इन सभी का लगभग जो काम करने का तरीका है वो एक जैसा ही होता है। दरअसल सबसे पहले आपको ऐप पर खुद को रजिस्टर करना पड़ता है, अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है और उसके बाद अपकमिंग मैचेस में से कोई भी मैच सेलेक्ट करके उस मैच की दोनों टीम्स के प्लेयर्स में से अपने पसंदीदा 11 प्लेयर्स चुनने होते हैं। टीम बनाने के लिए आपके पास 100 क्रेडिट्स होते हैं और हर प्लेयर को सेलेक्ट करने पर कुछ क्रेडिट्स हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ संजू सैमसन का 9.5 क्रेडिट है, तो अगर मैं इसको अपनी वर्चुअल टीम में सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे टोटल क्रेडिट में से 9.5 माइनस हो जाएंगे। तो इस हिसाब से मुझे टीम सेलेक्ट करनी है कि दोनों टीम्स में से 11 प्लेयर्स भी सेलेक्ट हो जाएं और मेरा जो 100 क्रेडिट है वो भी कम ना पड़े और जो एक टीम में से मैक्सिमम मैं 7 प्लेयर्स ही सेलेक्ट कर सकता हूं। एक टीम में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 विकेट कीपर सेलेक्ट किए जा सकते हैं, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 बैट्समैन सेलेक्ट किए जा सकते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 ऑलराउंडर सेलेक्ट किए जा सकते हैं और मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 बॉलर सेलेक्ट किए जा सकते हैं, और इनमें से आपको एक कैप्टन चूज करना पड़ता है और एक वाइस कैप्टन चूज करना होता है, और इस तरीके से आपको अपनी पूरी एक टीम बनानी होती है। अपनी टीम बनाने के बाद आप ऐप पर चल रहे डिफरेंट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप की तरह ही इन ऐप्स पर भी ग्रुप बनाकर अपने दोस्तों के साथ कम्पीट कर सकते हैं। अब जो आपकी वर्चुअल टीम्स के प्लेयर्स हैं वो जिस हिसाब से रियल मैच में परफॉर्म करते जाएंगे उसी हिसाब से आप पॉइंट्स गेन करते चले जाएंगे। मतलब अगर आपका चूज किया हुआ बैट्समैन रन लेता है तो उसके लिए 1 पॉइंट, हाफ सेंचुरी बनाता है तो उसके लिए 8 पॉइंट्स और सेंचुरी बनाता है तो उसके लिए 16 पॉइंट्स, और इसी तरीके से बॉलिंग, फील्डिंग और बाकी पॉइंट्स प्लेयर की परफॉर्मेंस के हिसाब से ऐड होते चले जाते हैं, और मैच खत्म होने पर टोटल पॉइंट्स के हिसाब से आपकी रैंकिंग होती है और टॉप रैंकिंग वाले विनर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रीम इलेवन ऐप के जरिए बाकी सभी क्रिकेट फैंटेसी ऐप्स के काम करने का तरीका आपको समझाया है। एक ही तरीके से ये सारी ऐप्स जो हैं वो काम करती हैं। उम्मीद है आपको अब फैंटेसी क्रिकेट ऐप्स को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो समझ आ चुका होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और टेक तक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।